अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप एक्टिव कर ले, जिससे मेरे चैनल पे सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं cmarohanasarma.in, जहाँ पर आपको CMA से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल। Hey, hi friends, hopes you are doing great in your life and welcome in my new video. So today in this video, we are going to discuss IFRS 13. IFRS 13 is one of the important accounting standards because it refers many accounting standards like IAS 16, property, plant and equipment, IAS 40, investment property, business combination. These all the accounting standards refer the concept of fair value measurement, and there is only single source of measurement is IFRS 13. So this accounting standard is important. Because before going to start this video, I am just request to please subscribe my YouTube channel and press the bell icon button so you will get all the videos update. Let's begin with the video. So IFRS 13, fair value measurement. The objective of IFRS 13 is to provide a single source of guidance for fair value measurement. ये आपको single source of guidance देगा fair value measurement करने के लिए, where it is required by reporting standard. जब भी किसी भी reporting standard में required होगा, जैसे IAS 16, property, plant and equipment, IAS 40, investment property, इन सब में जब भी fair value measurement का जिक्र होगा, then हम refer करेंगे IFRS 13 को, and IFRS 13 के according हम अपने एसेट्स की मेजरमेंट करेंगे। यहाँ नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, जैसे आईएएस 16 के बारे में बता रखा है, आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं। इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है और इन सब के लिए हम आईएफआरएस 13 यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं आईएफआरएस 13 कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट जहाँ आईएफआरएस 2 है वहाँ पे आईएफआरएस 13 अप्लाई नहीं होता है। इसके अलावा आईएफआरएस 16 लीज के ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता है। अब बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू आखिर होता क्या? सो फेयर वैल्यू इज डिफाइंड एज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट्स और पेड टू ट्रांसफर लायबिलिटी। ये वो पैसा है जो आपको मिलेगा आप अगर अपने किसी एसेट्स को मार्केट में सेल करते हो, या फिर आप अपने किसी लायबिलिटी को सेल करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, और एसेट्स को सेल करोगे तो आपको रिसीव होगा। ठीक है, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट। अब मार्केट पार्टिसिपेंट क्या होता है? अब मार्केट में जाते हो, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। ठीक है, तो सेलर प्रोडक्ट अपना सेल कर रहा होता है, बायर बहुत सारे होते हैं जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो मार्केट पार्टिसिपेंट होता है उसका जो मार्केट फोर्स होता है उसके बेसिस पे जो प्राइस डिसाइड होगा दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। ये प्राइस एक नॉर्मल ट्रेडिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आगे एग्जांपल्स आएंगे तब मैं आपको ये डिस्कस करूंगा। मार्केट पार्टिसिपेंट आर नॉलेजेबल थर्ड पार्टीज व्हेन प्राइजिंग एन एसेट्स और लायबिलिटी दे वुड टेक इनटू अकाउंट। अब क्या क्या चीजें अकाउंट में रखना है? एक तो कंडीशन, लोकेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज। इट शुड बी अज्यूम दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट फोर्स्ड इनटू ट्रांजेक्शन, दैट इज दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम कैश फ्लो शॉर्टेज। अब सपोज मान लो कि मेरे घर में फंड की लिक्विडिटी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गोल्ड है घर में, मैं गोल्ड लेके मार्केट में बेचने जा रहा हूँ, सामने वाले को पता है मेरी मजबूरी है, वो जो भी प्राइस देगा मैं उस प्राइस में अपने सेट्स को बेच दूंगा, इसको हम फेयर वैल्यू मेजरमेंट में कंसिडर नहीं कर सकते। फेयर वैल्यू तभी कंसिडर करेंगे जब हम नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल में हम प्रोडक्ट को बेचते हैं या फिर हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं होना चाहिए, तभी फेयर वैल्यू मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। IFRS 13 notes that there are various approaches to determining the fair value of an asset or liability. अब देखो बहुत सारे अप्रोच है फेयर वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए, जिसमें तीन अप्रोच हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला तो हमारा मार्केट अप्रोचेज है, दूसरा कॉस्ट अप्रोच है, और तीसरा इनकम अप्रोच। अब मार्केट अप्रोच क्या होता है?
वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रिसेंट सेल प्राइस, जो मार्केट में करेंट आज जो सेल हुआ जिस प्राइस पे, उस प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट अप्रोच। मार्केट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। कॉस्ट अप्रोच, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर हम आज हम एसेट्स को रिप्लेस करें तो हमें क्या कॉस्ट पे करना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इनकम अप्रोच, अब सपोज मान लो कोई हमारे पास एसेट्स है वो मार्केट में सेल लेवल नहीं है, लाइक जैसे कि हम जिसके हम वैल्यू प्राइस नहीं कर सकते हैं अगर मार्केट में बेचने जाए, वो आपका एक यूनिक आइटम है, लाइक गुडविल। कंपनीज की गुडविल एक यूनिक आइटम होता है जिसको मार्केट प्राइस जैसे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ब्रांड, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होती है बेसिकली, वो एक तरीके से उनकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनकम अप्रोच को फॉलो करते हैं कि सपोज कोई एसेट्स है मेरे पास जिसको हम मार्केट में नहीं बेच सकते, लेकिन अगर हम खुद के पास रखते हैं तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में हम उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू। आप सबने एनपीवी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो निकालते हैं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकालते हैं, और जो हमारा पॉजिटिव एनपीवी देता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो ये उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इनकम अप्रोच में हम क्या करते हैं, फ्यूचर के कैश फ्लोज को डिस्काउंटेड करके करंट पे लेके आते हैं और फिर हम उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं उसकी फेयर वैल्यू। व्हाटएवर अप्रोच इज टेकन, द एम इज ऑलवेज द सेम। कोई सा भी आप अप्रोच लो, एम हमेशा आपका सेम होना चाहिए, टू एस्टिमेट द प्राइस दैट वुड बी ट्रांसफर्ड इन अ ट्रांजैक्शन विद अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब द प्राइस, प्राइस के बारे में बात करते हैं। फेयर वैल्यू इज ए मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, नॉट वन दैट इज एंटिटी स्पेसिफिक। ये मार्केट बेस्ड है ना कि एंटिटी स्पेसिफिक है। एज सच, व्हेन डिटरमाइनिंग द प्राइस एट विच एन एसेट वुड बी सोल्ड और द प्राइस पेड टू ट्रांसफर ए लायबिलिटी, ऑब्जर्वेबल डाटा फ्रॉम एक्टिव मार्केट्स शुड बी यूज्ड वेयर पॉसिबल। अब देखो इसमें तीन लेवल्स होते हैं, बात करते हैं इन शॉर्ट में और अच्छे से समझाते हैं आपको। तीन लेवल्स हैं, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। लेवल वन जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, जो मार्केट प्राइस है हम उसी को फेयर वैल्यू कंसीडर करेंगे। लेवल टू, जब हम लेवल वन को फॉलो नहीं कर सकते हैं तब हमें लेवल टू को फॉलो करना है, और लेवल टू में कुछ एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है बिकॉज हमें पास हमारे उस एसेट्स का मार्केट वैल्यू नहीं है। लाइक शेयर्स को मार्केट में आप इजिली सेल कर सकते हो, उसको इजिली आप उसकी वैल्यू को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। लेकिन जैसे अब हमारे पास है कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन हर प्रॉपर्टी की डिफरेंट होती है, तो हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, हम उस पार्टिकुलर एरिया में जो सिमिलर एसेट्स है उसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने एसेट्स में एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे लाइक मान लो मेरे कॉलोनी में एक कॉर्नर साइड है, कॉर्नर मतलब रोड के कॉर्नर जिसके दोनों साइड से रोड है, एक वो प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी है जो सिर्फ फ्रंट फेसिंग प्रॉपर्टी है, दोनों की वैल्यूएशन डिफरेंट होगी। जो कॉर्नर वाला लैंड होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है इंस्टेंट ऑफ फ्रंट फेसिंग। सो हम उसके आपस में एडजस्टमेंट करके हम उसकी वैल्यू को डिसाइड करेंगे। हो सकता है इसके अलावा और अदर मेथड है, जैसे अब सिमिलर एसेट्स हो गया, आइडेंटिकल एसेट्स हो गया, इन सब के बेसिस पे भी हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये लेवल टू है। अब सपोज मान लो कि हम लेवल वन को भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेवल टू को भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम लेवल थ्री को अप्लाई करेंगे। लेवल थ्री क्या है, हमारा इनकम अप्रोच है कि जो भी हमारा फ्यूचर इनफ्लो है उसका आज के डेट में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर देंगे। लेवल थ्री को सबसे लेस प्रायोरिटी दी जाती है और लेवल वन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज लेवल वन हमेशा ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है और लेवल थ्री ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस के बेसिस पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं लेवल थ्री को। सो ये इन सब चीज के बारे में डिस्कस कर रहा था। अब देखो आप लेवल वन क्या है, इनपुट्स कोटेड प्राइस फॉर आइडेंटिकल एसेट्स इन एक्टिव मार्केट। लेवल टू इनपुट्स आर ऑब्जर्वेबल प्राइस डेटा, नॉट लेवल वन इनपुट। दिस मे इंक्लूड कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट्स, कोटेड प्राइस ऑफ आइडेंटिकल एसेट्स, ऑब्जर्वेबल इनपुट डेटा, नॉट प्राइस सच एज इंटरेस्ट रेट। तो जो चीज मैंने आपको बताई वो सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रायोरिटी इज गिवन टू लेवल वन इनपुट, द लोएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू लेवल थ्री इनपुट्स। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, आप इसको जस्ट रीड आउट कर लेना। लेवल वन के लिए इक्विटी मार्केट है, लेवल टू जैसे मैंने बिल्डिंग का आपको एग्जांपल दिया था, लेवल थ्री हमारा कैश जनरेटिंग यूनिट हो गया। कैश जनरेटिंग यूनिट को आप ले सकते हो जिसका हम फ्यूचर इनफ्लो देख के हम उसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन देते हैं,
बकलावा हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. दिस प्रॉपर्टी इज रेंटेड आउट ऑन शॉर्ट टर्म लीज. इसको हम रेंटेड आउट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म लीज को. द डायरेक्टर विश टू फेयर वैल्यू द प्रॉपर्टी बाई एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रॉपर्टी. देखो ये लेवल थ्री की बात करता है. जब भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो है यानी लेवल थ्री अप्रोच है. बिल जनरेट फॉर बकलावा दे आर्ग्यू डेट दिस बेस्ट रिफ्लेक्ट द वे इन विच द बिल्डिंग विल जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर बकलावा. द बिल्डिंग इज यूनिक थ्रो देर हैव बीन मेनी सेल्स ऑफ सिमिलर बिल्डिंग इन लोकल एरिया. देखो अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है इसका मतलब हमारे पास लेवल टू इनपुट्स है बट मैनेजमेंट लेवल थ्री इनपुट को अप्लाई करना चाहता है तो ये गलत है. हमें पहले प्रोविजंस लिखना है कि हमें लेवल वन इनपुट अप्लाई करना चाहिए फिर लेवल टू फिर लेवल थ्री. अगर लेवल वन अप्लाई नहीं हो पा रहा तब हम लेवल टू अप्लाई करेंगे और जब लेवल टू नहीं होगा तब हम लेवल थ्री अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही है वो गलत है. हमें लेवल टू के साथ जाना चाहिए ना कि लेवल थ्री के साथ. जब हमारे पास लेवल टू के इनपुट्स अवेलेबल हैं तो हम उसमें एडजस्टमेंट करके हम अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेंगे. अब बात करते हैं मार्केट्स की. द प्राइस रिसीव्ड व्हेन एसेट्स इज सोल्ड और पेड व्हेन ए लायबिलिटी इज ट्रांसफर मे डिफर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक मार्केट वेयर द ट्रांजेक्शन अकर. अब बात करते हैं एक हमारा प्रिंसिपल मार्केट होता है और दूसरा हमारा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट. प्रिंसिपल मार्केट मतलब मेन मार्केट जिसमें सबसे ज्यादा सेल परचेज होता है. अब जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में लैपटॉप की सबसे ज्यादा सेलिंग नेहरू पैलेस में होती है. सो नेहरू पैलेस क्या हो गया प्रिंसिपल मार्केट हो गया. इसके अलावा मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट हो सकता है नेहरू प्लेस के अलावा आपके लोकल एरिया में कोई एक लोकल शॉप हो लोकल एरिया में. जैसे आप लक्ष्मी नगर में बात करो तो वहाँ पे एक कंप्यूटर मार्केट लक्ष्मी नगर में भी है तो वो हमारा हो गया मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट. मेन मार्केट हमारा नेहरू प्लेस सेकेंड मार्केट मोस्ट एडवांटेजियस. सो IFRS 13 से डेट फेयर वैल्यू शुड बी मेजर्ड बाई रिफरेंस टू द प्रिंसिपल मार्केट. द प्रिंसिपल मार्केट इज द मार्केट विद द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी फॉर द एसेट्स और लायबिलिटी वॉल्यूम. मतलब जिस मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम सोल्ड हो रहा है सेल हो रहा है क्वांटिटी हो रही है सेल हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल मार्केट. There is no principal market, then fair value is measured by difference to prices in the most advantageous market. अगर जब principal market नहीं है तभी हम most advantageous market को reference मिलेंगे. The most advantageous market is the one that maximizes the net amount received from the selling and assets or minimize the amount paid to transfer liability. Next बात करते हैं transaction cost. Transaction cost is a not part of the fair value measurement, such as legal and brokerage fees will play a role deciding which market is most advantageous. However, fair value is not adjusted. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, fair value is not adjusted for transaction cost because they are the characteristics of the market rather than the assets. ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है.